टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं। पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चूरू में करेंगे जनसभा को संबोधित। और इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि देवेंद्र झाझड़िया का मुकाबला है बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए दो बार के सांसद राहुल कस्बा से। राहुल कस्बा के मैदान में उतरने के चलते बीजेपी के लिए चूरू लोकसभा सीट चुनौती बन चुकी है। लिहाजा पीएम मोदी की रैली पर सबकी नजर टिकी हुई है। पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने गुरुवार को यानी कि आपको जानकारी दी कि कल सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। राठौड़ ने सभा स्थल पर तैयारियों में जुटे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मोदी की रैली हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। पीएम मोदी की सभा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो 2024 की लड़ाई है, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन आपको जानकारी मैं दे दूं कि इससे पहले बीजेपी लगातार दौरे कर रही है, बीजेपी के नेता दौरे कर रहे हैं। तो चूरू सीट का मुकाबला काफ़ी रोचक माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी के नेता रहे राहुल कस्बा टिकट ना मिलने के चलते कांग्रेस के साथ हो चले, कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे में बीजेपी चूरू सीट को चुनौती यहाँ पर मानकर चल रही है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में करेंगे यहाँ पर प्रचार और वोट की अपील। सहयोगी गजेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ज़्यादा जानकारी लिए उन्हीं के पास लिए चलते हैं। गजेंद्र, क्या तैयारियाँ की गई हैं मौके पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में वोट की अपील करना, क्या तैयारियाँ मौके पर और कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, वक्त क्या बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यक्रम आज चूरू में है। चूरू में प्रधानमंत्री मोदी है, वो 11:45 पर पहुंचेंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है क्योंकि जब प्रधानमंत्री आते तो निश्चित रूप से एक मोमेंटम है वो भाजपा का बनेगा, क्योंकि चूरू लोकसभा सीट की बात करें तो ये इस बार भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने राहुल कस्बा को मैदान में उतारा जो कि मजबूत उम्मीदवार है। तो ऐसे में काफी रोचक मुकाबला है वो चूरू के अंदर देखा जा रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी है वो कमान संभालेंगे और वो यहाँ पर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी है वो लोकसभा चुनाव के अंदर 2019 के अंदर 24 फरवरी को यहाँ पर चूरू पहुंचे थे। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चूरू पहुंचे थे, उन्होंने एक नारा भी दिया था, सौगंध मुझे मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकूंगा। इसके बाद अब चूरू वो आ रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया के लिए। तो ऐसे में काफी रोचक मुकाबला वो हो चला है और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सीएम भजनाथ शर्मा है वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के सीपी जोशी वो भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है और 8 विधानसभा सीटें हैं चूरू के अंदर आती है, जिनमें सबसे बड़ी विधानसभा सीट है वो सरदार शहर है जबकि सबसे छोटे विधानसभा सीट है वो साधुपुर है। तो ऐसे में इन 8 विधानसभा सीटों के अलावा एक झुंझुनू की सीट भी है, उसको भी साधने की कोशिश आज पीएम मोदी है वो सभा के माध्यम से करते हुए नजर आएंगे। जी मैं चाहूंगा तस्वीरें भी आप दिखाइए गजेंद्र, आप मौके पर ही मौजूद हैं। मैं चाहूंगी तस्वीरें आप दिखाएं दर्शकों को कि क्या तैयारियां मौके पर की गई हैं। पीछे कार्यकर्ता भी मुझे नजर आ रहे हैं, इनसे जरा बातचीत कीजिए, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सभा है चूरू के अंदर, किस प्रकार का उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं नजर आ रहे हैं? भारी उत्साह है, हजारों की संख्या में हम सरदार चाचे चूरू की ओर जा रहे हैं। अब इस बार हर बार की तरह भाजपा ही जीतेगी चूरू में, भारी बहुमत से जीतेंगे हम। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी आज क्या कह सकते हैं, कितना उत्साह है लोगों में, क्या भाजपा का मोमेंटो बनेगा यहाँ से? बहुत तगड़ा मोमेंटो है और जनता जुड़ रही है, वोटर देवेंद्र जी झाझड़िया के पक्ष में जनबल बहुत बढ़ रहा है, दिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कुछ और लोग उनसे बात करें, भैया किस प्रकार का माहौल है, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, कितना उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा उत्साह है लोगों में, आप आजाद है सब जा रहे हैं। देखिए जिले भर से लोग हैं वो आ रहे हैं चूरू के अंदर और भारी उत्साह है वो यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि देश के सबसे लोकप्रिय नेता है जब सभा करने आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुकाबला है वो रोचक हो चला है, क्योंकि चूरू है वो इस बार कहीं ना कहीं भाजपा के लिए इतना आसान नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता है वो
वोट करेंगे, 22 लाख मतदाता है वो वोट करेंगे और 13 प्रत्याशी है वो मैदान में है। चूरू की बात करें तो इस बार चूरू में कहीं ना कहीं कांग्रेस से उम्मीदवार राहुल कसवा वो भाजपा से दो बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। इस बार जब पहली लिस्ट भाजपा की जब आई तो राहुल कसवा का टिकट है वो उसमें कट चुका था, तो ऐसे में कांग्रेस के जो मौजूदा प्रत्याशी है राहुल कसवा वो बागी हो गए थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, उसके बाद से मुकाबला वो यहाँ पर रोचक हो चला है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी की ओर से लगातार वार प्लटवार का दौर जारी है। देवेंद्र झांझड़िया और राहुल कसवा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूरू है वो इस बार दोनों ही दलों के लिए इतना आसान नहीं नजर आ रहा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद अब मोर्चा चूरू में आग संभालते हुए नजर आएंगे। जी निश्चित तौर पर मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय माना जा रहा है, हालांकि 13 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ यूनुस खान से भी आपने बातचीत की थी, वो भी मैदान में उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ हमने देखा कि देवेंद्र झाझड़िया हैं और यहां राहुल कसवा है। किस रूप में आगे तस्वीर बनती हुई नजर आएगी ये तो महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो क्या उनके क्या कहते हुए नजर आएंगे संबोधन में, ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देवेंद्र फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।